आजिठ महाराष्ट्र में हो पाए संपूर्ण तालाबंद एने राति आठटे बड़ घोषणा करिपारंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में भारी जारी रही कोविड 19 रो भयंकर परिस्थिति कोरोना वायरस चेन को भांगिबा राज्य में संपूर्ण बंद घोषणा करिवे बोली आशा करा जाउछि। वर्तमान रो ब्रेक द चेन निर्देशावली फलप्रद हो पारु नथिबारु एमबीए सरकार राज्य में दुई सप्ताह तालाबंद करने को घोषणा करिपारंती। कोविड 19 मामला को रोकवाई महाराष्ट्र कैबिनेट गतकाली सर्वसम्मति क्रमे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन प्रस्ताव देते। गत दुई सप्ताह मध्य महाराष्ट्र में प्रतिदिन 50,000 अधिक पॉजिटिव चिन्हट हो आसुचंती। तबे जदि लॉकडाउन होउची तबे मुंबई में स्थानीय ट्रेन चलाचल उपर रोक लागिबो कि नाही ता उपर राज्यवासी नजर रखिछंती। अन्यपटे प्रवासी श्रमिक माने मध्य निजर कामधंदा को नहीं चिंतार पड़िछंती। ए संपर्क में अधिक अपडेट पाई आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती आम नूआदिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल। गगन जो भली भाव में प्रधानमंत्री गतकाली अपील करते राज्य सरकार मानू जे लॉकडाउन शेष विकल्प हवा दरकार लॉकडाउन परिस्थिति को एड़ेबा सबु प्रकार पदक्षेप नाप राज्यगुड़ी परामर्श देते किंतु सेपटे जहाँ सूचना आसूँ महाराष्ट्र में जो भली भाव स्थित असंभा महाराष्ट्र सरकार हुए तो आज लॉकडाउन घोषणा करपारती सारा राज्य समस्त पदक्षेप फेल मारी सरकार महाराष्ट्र सरकार कोरोना परिस्थिति को नियंत्रण करने तो कौन खबर अच्छी जे उद्धव ठाकरे आज आठटे जो भाई भाव में संबोधन करेंगे लॉकडाउन घोषणा करपारती कि शक्ति निश्चित भाव बर्तमान जो भरसा गायकवाड़ रही महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री गतकाली कैबिनेट बैठक पर सीधा साल से गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देले एवं कहिले जे 50,000 रु प्रतिदिन अधिक केसेस आसुची प्रति जो जिला जिला को कनेक्टिविटी रोची ताफल आम बर्तमान नियंत्रणाधीन हो जाऊ कहीं अनेक गुड़े जो आम इमरजेन्सी आइटम रही दुग्ध ठार आरंभ कर अत्यावश्यक सामग्री रही आड़े अनेक लोक प्रवेश कर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बढ़ुची खास कर अंत जिला जो तो राजपथ जी से गुरुत्व दीना अंत जिला मान निज राज्य भितर जो जिला गुड़िक भितर कनेक्टिविटी बढ़ुची और खास करी जो मुंबई रही नागपुर रही जो कोरोना अधिक मात्रा रे आसुची प्रतिदिन 20,000 रु केसेस आसुची जो 4-5 जिला रही तेणु से सबू जिला गुड़िक निश्चित भाव से प्रतबंधक लगे सीधा सड़क से क्लीयर मेसेज दे सारी गत काली कैबिनेट बैठक पर ये कथा कहले आम निष्पत्ति आमर निष्पत्ति आम जणई सारी मुख्यमंत्री को तेज मुख्यमंत्री कौन छेबे मुख्यमंत्री संपूर्ण लॉकडाउन करेंगे कि ना तेणु गोटे प्रकार आज दिन तमाम प्रस्तुति हे ऑफिशियल स्तर में आलोचना हे विचार विमर्श अत्यावश्यक सामग्री केजूद अच्छी जदि बंद कर तार फल कौन पड़ो कहीं सीधा सड़क गोटे आर्थिक गतिविधि इंपैक्ट पड़ोब विचार को नौ तेणु या सत्वे दिल्ली गवर्नमेंट जब भाव स्टेप नहीं तेणु कौट ना कौटी आउ टे अधिक प्रेसर में रही बर्तमान महाराष्ट्र सरकार हुए तो आज से लॉकडाउन कर लॉकडाउन विकल्प कौन से भावुच्च जदि लॉकडाउन करेंगे कौन तार विकल्प भावुंट तेना ये सब निश्चित भाव दिन तमाम अंक कसा संध्या बेले जो प्रेस मीट टाइम रखा जाए 8 बेले निश्चित भाव से जो राज्यवासी को अपडेट देते से लॉकडाउन जदि कर कौन पाई निष्पत्ति ने भाव अरविंद केजरीवाल कहले मो पाखे आईसीयू बेड 100 रु कम रही स्थिति संपूर्ण बिगड़ गला गत काली देखिले 14 टन ऑक्सीजन दिल्ली को इमरजेन्सी क्षेत्र में केंद्र सरकार जोगई देले 500 रु अधिक जो आक्रांत रही है कोरोना आक्रांत से बहुत सीरीयस कंडीशन में थे तेणु 50,000 जो केसेस अच्छी महाराष्ट्र तेत सीरीयस पेसेंट अच्छा तेणु ऑक्सीजन रो चेन रही आहरी द्रुत करने प्रधानमंत्री गत काली देश उद्देश्य जो मेसेज देते जो राज्य डिमांड अनुसार आम फुलफिल करने चेस्टा करूचु तेणु निश्चित भाव केन्द्र को निश्चित भाव किसी से अपिल करती कहीं सोमवार जो बैठक होता जो रही कैबिनेट सेक्रेटरी केन्द्र कैबिनेट सेक्रेटरी बैठक होता से महाराष्ट्र डिमांड करते आमको आहरी टीकार आवश्यकता रही कहीं अनेक गुड़ी आम टीका सेन्टर बर्तमान बंद रही गला टीकार अभाव जो तेणु आहरी अधिक टीकार आवश्यकता रही खास कर ऑक्सीजन रो डिमांड महाराष्ट्र सरकार अधिक नीड कर तेणु यह सब भितर सेन्टर जो से डिमांड चाहते से डिमांड अनुसार कौन तर बर्तमान स्टेप रही बर्तमान कौन कंडीशन में गति करते सब कथ निश्चित भाव टिकनिक भाव रखे और लॉकडाउन करुंट कि नहीं सीधा जो भाव विभाग मंत्री मैंने महाविकास आघाड़ी सरकार तीनो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन तीनो दल रही
ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଉଭୟ ଦୁଇ ଦଳ ଏନ୍ସିପି କୁହନ୍ତୁ ବା କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ହାତ ଉପରକୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲାବନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତାଲାବନ୍ଦ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ତାଲାବନ୍ଦ ହେବ ତାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିବ କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ ହାତ ଖୋଲା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଠଟାକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଆଜି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସରକାର। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିପଦଜନକ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ।